राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है और चंडीगढ़ में आशा वर्करों की उन्होंने समस्याएं सुनी। हरियाणा की बेटियां देश और दुनिया में मान बढ़ा रही हैं, ये कहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। महिलाओं से बातचीत कर उनकी ऊर्जा पता चलती है, महिलाएं कमजोर नहीं है और उन्हें आगे आने की जरूरत है। ये तमाम चीजें जो है महामहिम मुर्मू ने कही। महिलाओं और पुरुष के साथ आगे चलने से देश आगे बढ़ेगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं कल से हरियाणा दौरे पर हैं। कल उन्होंने कुरुक्षेत्र में जाकर कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया और आज उन्होंने चंडीगढ़ में आशा वर्करों की समस्याएं सुनी। हरियाणा की बेटियां देश और दुनिया में बढ़ा रही हैं मान, ये कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उन्होंने प्रोत्साहित किया वहां पर मौजूद महिलाओं को, लड़कियों को एक ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से बातचीत कर उनकी ऊर्जा का पता चलता है और महिलाएं कमजोर नहीं है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। उन्होंने महिला और पुरुष के साथ आगे चलने से देश आगे बढ़ेगा ये भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से प्रेरणा स्रोत बनकर वो महिलाओं के बीच में आई और उन्होंने आशा वर्करों का हौसला अफजाई की, उनकी समस्याओं को सुना। अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है, वो ऊर्जा को केवल फैमिली में, फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे। दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे करेक्टर को अपनाना उनको पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टाकल्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमज़ोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको, केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता, बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। रवि, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर इस तरह के सेशंस और इस तरह से बातचीत हो महिलाओं के साथ महामहिम की या किसी भी बड़े नेता या उच्च अधिकारी की, तो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महामहिम द्रौपदी मुर्मू का आज दूसरे दिन का दौरे का आधार जो है वो हरियाणा के राजभवन में महिला खिलाड़ियों और आशा वर्कर साथी अग्रामीण महिलाओं के साथ जो संवाद रहा, उस संवाद के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खास तौर पर महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाने और उनको जो है वो प्रेरणा देने की जो कोशिश की गई है उस पर जो है वो खास का ध्यान खींचते हुए साफ लफ्जों में कहा कि महिलाओं को जो है वो आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि न सिर्फ समाज बनेगा बल्कि देश भी उन्नति करेगा। तो उसी कड़ी में आज जो है वो संवाद है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आशा वर्कर और महिला खिलाड़ियों के साथ जो है वो किया है। जी जी रवि, माना जाए कि इस तरह के सेशंस आगे भी होने चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहता है और कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो पहले से अब काफी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसा कि द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि इस ऊर्जा को घर के अंदर सीमित नहीं रखना है, घर की चार दीवारी से बाहर भी रखना है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि घर के लोगों का भी सपोर्ट रहे, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की महिलाओं ने आज के दिन जो है वो हर क्षेत्र में जो है वो परचम लहराया है, चाहे हम खिलाड़ी के तौर पर बात करें या फिर पायलट के तौर पर बात करें या फिर डिफेंस की सेवाओं के तौर पर बात करें, हर
क्षेत्र में जो है वो महिलाओं ने जो है बढ़ चढ़ कर जो है वो खासतौर पर हरियाणा की महिलाओं ने जो है वो योगदान दिया है। इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार को और कदम जो है वो बढ़ाने चाहिए, इस दिशा के अंदर और कदम बढ़ाने चाहिए ताकि चार दीवारी के अंदर जो महिलाएं जो पिछले तबके से आती है महिलाओं को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके, वो महिलाएं भी अपना भविष्य जो है वो तलाश सके। ये ऐसे विकल्प जो है वो सरकार को तैयार करने चाहिए। जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा बहुत अच्छे कार्य जो है वो हरियाणा को जो है हरियाणा की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन और भी अधिक कार्य जो है वो इस क्षेत्र के अंदर जो है वो किए जाने चाहिए। जी